झूठी, तुमने बताया ही नहीं कि एक्चुअली में मोटू ने तुम्हें यही कहा था कि अपने जो है वो छूटते चले गए। झूठी का रंग जो है वो इतना फेट हुआ कि चंपा जो है वो शॉक्ड थी। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, आप लोगों को मैं सजेशन आपसे मांगती हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से बात करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना जी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। झूठी का सच्चा रोना और पुतन का नया घर, नया घर और किचन किचन खेलना, घर घर खेलना और पुतन का रामायण और महाभारत के बारे में कुछ कहना, लेकिन चंपा का भी एंजॉय करते हुए नजर आना, छोटे से गांव में 5 घंटे जो हैं वो बिताते हुए नजर आना, 5 या 4 5 घंटे ऐसे कुछ है ना। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर हुई ये वाली बात है ना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, ठीक है जी। तो जी, सबसे पहले तो बात करती हूँ झूठी के ऊपर। पूछना चाहती हूँ कि झूठी तुम्हारा सच्चा रोना क्यों निकला? आप लोग भी सोच रहे होंगे ये सच्चा रोना मैंने क्यों बोला। देखिए, जब लड़कियाँ अपने मायके घर से जाती हैं इंजॉय करके, वो भी इतना है ना, शादी ब्याह वाला घर, सब लोग आसपास है ना, रौनक लगी हुई थी। एक्चुअली में रौनक इसको कहते हैं जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं, हंसी ठहाके लगते हैं और इंजॉयमेंट होती है ना, उसको कहते हैं रौनक लगना। भैया, इनकी रौनक जो चूल्हे के साथ लग जाती हैं, साग के साथ लग जाती हैं, जा फिर कहें कि कपड़े सुखाने फैलाने, उनके साथ भी इनके यहाँ तो रौनक लग जाती है। तो फिर झूठी तुम्हें क्यों रोना आया है ना? मेरे को तो पहले इसलिए लगा था कि झूठी का सच्चा रोना है, इसलिए उसका मन भारी हो रहा है क्योंकि एक बेटी जो है वो मायके घर से जा रही है। चलिए, ये तो हम लोग मानते हैं कि इमोशनल हो ही गई झूठी है ना, लेकिन एक्चुअली में जब तुम्हारे घर में भी तो रौनकें लगती है ना, वहां पर फ्लैट में तुम भी तो कपड़े फैलाती हो, रौनक लग गई, साग छिला रौनक लग गई है ना। तो ऐसी रौनकें तुम्हें वहां पर भी मिलती रहती है, तो तुम्हें अकेलापन क्यों फील होगा? लेकिन एक्चुअली में इसका जो सच्चा रोना था वो मोटू को लेकर था। मोटू जो है रात भर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मोटू फिर से आता है, मोटू आता है, चाय नाश्ता करता है, मोटू फिर चला जाता है। उसके बाद आता है मोटू दोपहर में, फिर टाइम स्पेंड करते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, कुछ सड़ी बुसी ऐसी कुछ भी फिल्म देखकर पुराने जमाने की है ना। झूठी खुद को आज के जमाने की कहती है, लेकिन इतने पुराने वाले जमाने की निकलेंगी मुझे नहीं पता था है ना। तो झूठी तो 90 की निकली ना फिर। अच्छा जी, हमारे जमाने की, तो चलिए मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी कैसे क्या हुआ, ये सब बातें कैसे खुलकर सामने आई है ना। आ तो खैर बहुत पहले गई थी, लेकिन झूठी का एक्चुअली में सच्चा रोना यही था कि वो लोनली फील करती है। झूठी बेशक कुछ भी कहे कि उसको वहाँ की याद आती है, जहाँ अपनी हाउस हेल्पर की याद आती है, जहाँ अपने प्लांट्स की याद आती है, एक्चुअली में इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं ना, मोटू कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि मोटू को स्क्रिप्ट लिखने से फुर्सत नहीं है, मोटू को गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं है। अब पता नहीं कौन सी रिसर्च भैया मोटू करता है, कौन सी मक्खी पर रिसर्च चलती है इसकी। एक्चुअली में ये मतलब पढ़ा भी पाते हैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, या फिर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे समझाते रहते, भैया मेरे दिमाग में साल में 1 बार आइडियाज आते हैं। तो वो कहते होंगे, प्रोफेसर साहब लेकिन आप तो 12 महीने की सैलरी ले लेते हो है ना, आपके तो दिमाग में 1 ही बार आइडिया आता है, तो फिर आप रोज रोज क्लासेस भी क्यों लेते हो? अच्छा, झूठी का एक्चुअली में सच्चा रोना ये था कि वो मोटू से ही परेशान है, क्योंकि मोटू का सिर्फ और सिर्फ अपने कुलीग्स के साथ ही दिल लगता है। अब झूठी जहां पर जितने मर्जी पर्दे डाले, लेकिन सच यही है, ठीक है। ऑन कैमरा झूठी रो पड़ी, झूठी ने वहीं पे कैमरा बंद कर दिया, लेकिन वहां पे वो सीन ही कट कर देती कि तुम बात करते करते वो चीजें हटा देती, लेकिन तुमने नहीं, तुमने अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से इमोशनली फूल बना दिया है ना भाई। फूल तो वो लोग हैं ही है जो कहते हैं दीदी नाराज मत, दीदी परेशान मत हो, दीदी सब सही हो जाएगा। वो तो मैं भी कहती हूँ भगवान तुम्हारे साथ साथ सबकी लाइफ जो है बहुत अच्छी कर दे, सेट कर दे, सबकी बेटियाँ अपने घरों में खुश हो, सबकी बहुएं अपने घरों में खुश हो, हम लोग तो यही चाहते हैं। लेकिन झूठी एक्चुअली में जो कहना चाहती थी वो ये कह नहीं सकी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका दर्द जो है वो सबके सामने बयां हो ही जाता है, ऐसा इसने अपने एक एपिसोड में बोला था। अगर मैं आप लोगों को वो बातें बता दूंगी तो आप लोग भी ना रो पड़ोगे। और तो झूठी तुमने बताया ही नहीं, तुम्हारे लिए स्टैंड ले लेते भाई, तुम्हारे लिए स्टैंड लेते है ना, ऐसे कैसे रो पड़ते?
तुम्हें सही सलाह देते कि तुम ये करो मोटू के साथ, मोटू का अत्याचार जूठी के ऊपर, ये होगा मेरा आज का टाइटल, है ना? ठीक है। और मोटू को बिल्कुल भी कैमरा में नहीं लिया गया है। जूठी अब क्यों, जब मामा के साथ इतना डांस नाच टाप लिया मोटू ने, है ना, इतना सब एंजॉय करता मोटू नजर आया, लेकिन वापसी में जो तुम्हारा रोना है, तुम्हारे रोने में तुम्हारे जो आंसू हैं, कुछ ये भी बयान कर रहे थे कि तुमने पूरे एपिसोड में, जहाँ अभी जितने भी तुमने शिमला से लेके यहाँ तक के एपिसोड्स बनाए हैं, उसमें तुमने मोटू का नाम नहीं लिया एजी ओजी करके कि ये वहाँ पर है, ये जो है सोच कह रहे हैं कि तू घूम ले, तू रहना चाहती है तू रह ले, क्योंकि एक्चुअली में मोटू ने तुम्हें यही कहा था कि तुम रहना चाहती हो तो तुम रह लो, लेकिन तुम्हारे शक की सुई है ना, उसका क्या किया जाए इलाज। लेकिन तुमने कहा कि मेरे को तो मोटू की डायबिटीज जो है वो ठीक करनी है, लेकिन मोटू तो पेटू है ना, पेटू को तो वो बना बना के नहीं तो कुछ ना कुछ खिला देगी हाउस हेल्पर, इसलिए तुम्हारा जाना वहां पर जरूरी है, क्योंकि मोटू है जिसके की फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इसके घर पर आके फिर पड़े रहते हैं, जहाँ तो फिर वो लोग मैच वैच देखते हैं, जहाँ फिर उनकी न्यू ईयर पार्टी जो है उन लोगों ने पहले सोच रखी है कि हम लोग कौन सी मतलब पार्टी करेंगे, या कहाँ पे कुछ जाएंगे, कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट है, जहाँ वहीं आईआईटी में कोई ऐसा प्रोग्राम है, क्योंकि छुट्टियाँ तो अभी चल रही है ना। फिर ये मोटू समझ में नहीं आया है ना, तो फिर जूठी को लगा कि नहीं ये बहुत खलारा पाएंगे, मुझे वहाँ पर जाना ही चाहिए, और मैं भी देख लूँ मोटू कौन सी रंगीन पार्टियाँ करना चाहता है, मैं भी जरा जाकर देखूँ, इसलिए जूठी को जाना ही पड़ा बड़े बड़े टैची चुक के, है ना। तो चलिए जी बात करते हैं पुतन पर, जिसका बड़ा दिल लगा हुआ है ना, अपने बर्तन भांडों के साथ और साथ में अपने कपड़ों के साथ रोन के लगा रखी है, लेकिन दहेज का सोफा नीचे चला जाएगा। ओहो पुतन ये क्या हो गया, है ना, मैं वही सोच रही थी, मुझे कलर पसंद नहीं आया था तुम्हारे सोफा का, है ना, मुझे लगा कि यहाँ पर जहाँ तो व्हाइट जहाँ मैरून जहाँ फिर मतलब अलग सोफा होना चाहिए यार, इतने अच्छे अच्छे कलर आए हुए हैं मार्केट में, तो तुमने मेरे को लगा नहीं ये वाला तो कलर सूट नहीं कर रहा, है ना, लेकिन ग्रे कलर भी अच्छा लगता, लेकिन ये कौन सा कलर ले लिया पुत्तन, मैंने यही बोला था। फिर जी वही बात आ गई ना, पता लगा ये तो दहेज का सोफा है, क्योंकि देखिए शादी ब्याह में घर में जगह चाहिए थी खुल्ली डुल्ली, इसलिए सोफा फिलहाल के लिए पुत्तन के यहाँ पटक दिया गया था। अब जो है चंपा कहती मैं जी बेड पे नहीं सारा दिन बैठ सकती, मैनू तो सोफा चाहिए है ना, तो वो कहते चलो ठीक है नीचे उतार लेते हैं, तुम अपनी तशरीफ वहां पर रखना, और एडिटिंग जो है गुलाब सिंह ने सिखा दी। मेरे साथ जो है एक मैसेज शेयर हुआ है इंस्टा पर, उन्होंने बोला डिम्पल दी इसका नाम ना जॉनी वॉकर रखिए गुलाब सिंह का, अब आप बताइए जॉनी वॉकर ठीक रहेगा? अरे जॉनी वॉकर तो वो है दिल में जिसके जितना भी दुख हो लेकिन वो सबको हंसाते हैं, है ना, नहीं जॉनी वॉकर भी नहीं, जॉनी लीवर भी नहीं, कोई नाम नहीं इसका, गुलाब सिंह ही ठीक है, ठीक है। और जो इसके यहाँ के संतरे दिखा रही थी ना झूठी, बिल्कुल बेकार थे भैया, खेती बाड़ी सीख लो, है ना, ऐसे का संतरे के पेड़, नहीं तो दा पंजाब के व्लॉग में जाओ वहां पर तुम्हें पता लगे क्या इतने बड़े बड़े किन्नू लगाए, इतने बड़े बड़े संतरे घर के टोकरी भर भर के वो लोग खाते हैं और जूस निकालते हैं, मजे आ जाते हैं देखकर, है ना। इनके यहाँ के संतरे देख लो, ये बिद्दी बिद्दी संतरियां ले घूम रहे, पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत बोला, ठीक है चलिए छोड़िए। तो यही वाली बात थी, ठीक है, पुत्तन पर बात कर रहे हैं हम लोग, भैया रोन के कैसी थी, है ना, यहाँ पर तो इनकी तो रोन के मूलियां निकालनी है, उसमें भी रोन के लग जाती है, रोन के नहीं लग जाती, दिल लग जाता, पता नहीं रौनक लग जाती, क्या लग जाता है। और पुत्तन को कल मैंने बोला था कि ये जो नॉन स्टिक जो रहते हैं ना बर्तन, इवन मैंने भी शौक शौक में ना ले लिए थे लेकिन यूज ही नहीं किए, ऐसे पड़े हैं, है ना, तो वो भी मैं सोच रही थी कि नहीं मैं यूज नहीं करूंगी, कभी कभी लगता है कि नहीं निकालना चाहिए डोसा तवा वगैरह, है ना, अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं एज इट इज ही मैं वापस कर दूं उसको और इसकी जगह कुछ और ले आऊं, है ना, ऐसा ही सही रहेगा। और स्टील के बर्तनों के लिए पुत्तन की खुद ही चाहने वाले जो हैं वो बता रहे हैं आंटी जी के बर्तन जो हैं तुम वापस कर दो, लेकिन मैं पहले बताना चाहती हूँ कि स्टील के बर्तनों में खाना खाना इतना गुनाह नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो पित्तल के या फिर उसके
और किस किस के होते हैं, पीतल के होते हैं, सोने चांदी के तो चलो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ पीतल के तो कर ही सकते हैं अफोर्ड, है ना, अगर नहीं भी कर सकते तो स्टील के तो कर ही सकते हैं, हंडोनियम के मत करो ना, और दूध जो है पुत्तन मैं बताना चाहती हूँ स्टील के पतीले में उबाल लो, नहीं तो तुम पीतल का पतीला ले लो एक छोटा सा जिसमें कि तुम उबाल लो दूध, है ना, लेकिन फिर वही झंझट लगता है ना कि उसकी कलाई वगैरह ना उतर जाए, बार बार से वो कलाई करवाने पड़ते हैं, सो स्टील के बर्तन जो है वो चलते हैं, लेकिन पुत्तन के चाहने वाले कहते हैं कि नहीं तुम जो है मत लो स्टील के बर्तन, आंटी को वापस करो, पता नहीं वो ऐसे क्यों कह रही हैं इनको, वो फिर ये ही जाने, और वहां पर रील पर जो तमाशा बना हुआ है झूठी का भी क्या ही बोले, झूठी सच्ची ये पुत्तन लोग क्या क्या कितना कुछ लिख रहे हैं इनको, मेरे को मैं हैरानी भी होती है, देखिए मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं उन कमेंट सेक्शन वालों की मानक जो उनकी सोच है उस पर बात कर रही हूँ, है ना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप जैसे कोई फिल्म देखने गए, हमें अच्छी नहीं लगी तो हम कहेंगे कि देखिए हमारे तो पैसे खराब गए, हमने फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन YouTube जो है अभी आपको ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हो नहीं अच्छी लगी तो आप स्क्रॉल करो ना, उसको हटाओ यहाँ से, लेकिन आप इतने बड़े देखोगे भी और इतने बड़े बड़े मतलब कमेंट्स ऐसे ऐसे लिखोगे कि खुद ही पढ़ने वाले को भी शर्म आ जाए और लिखने वाले को शर्म नहीं आती, है ना, तो भाई अब जैसे इनको काम करते हुए ऐसे शर्म नहीं आती, ये इतना झूठ परोसती हैं, इतना कुछ ये सब चीजें यहाँ पर करती हैं, फिर वही बात आती ना इनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा, आप सामने वाले को सजेस्ट भी तो करो ना, आप ये कर रहे हो तो ये गलत है, आप ऐसे मत करो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो शायद आपके लिए सही होगा, जैसे पुत्तन के लिए कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो कर्टन है बहुत ही गंदे हैं, तुम उसको चेंज कर लो, है ना, तुम्हें हमेशा ही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था तुम्हें क्या जरूरत है, जब तुम लाखों रुपए लगा सकती हो घर के ऊपर तो तुम्हें क्या ही जरूरत है किसी की एक सुई लेने की भी, है ना, तो तुम उसके लिए भी सब चीजें कर सकती हो, है ना, वही बात है, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि मुझे ये जरूर से बताना भैया पुत्तन, दो टाइम की रोटी बनाने क्यों जरूरत है ना, झूठी जो है वो तो एक ही टाइम बना लेती है, दो सब्जियां सुबह ही बना लेती है, रात तक उसका चलता रहता है ना, पर फिर ये कि फुलके उसको सेकने पड़ते हैं सम टाइम, तो वो भी उसके हॉट केस में पड़े होते हैं वही गर्म करके खा लेती है, अब बारी आती है थोड़ी सी उस बात पर जहां पर पुत्तन को ज्यादा ही रामायण और महाभारत शक्तिमान, है ना, शक्तिमान शक्तिमान जी, वो मैं मतलब कि 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी जब जो है रामायण स्टार्ट हुई, ये 1986 की बात है, उस समय सर्दियों के दिन थे, ठीक है, बड़ा मजा आता था, संडे को ये रामायण जो है आती थी, ठीक है, उसके बाद 87 में मतलब मैंने किसी के साथ लिखा भी है शेयर भी किया कि पुराने दिन याद आ गए जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, है ना, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, ये बातें मुझे इसलिए याद है क्योंकि जून का महीना था तो जब भी वेकेशन थी हम लोगों को, तो उस समय जो है रामायण के एपिसोड देखने के लिए हम लोग बैठे रहते थे, लेकिन घर में मना था क्योंकि डेथ हुई थी इसलिए जो है टीवी नहीं लगेगा 13 दिन तक, तो उस वजह से कि बच्चों को तो क्रेज रहता है ना भैया हमें तो देखना है ना, इसलिए मुझे याद था कि वो 87 जो था चल रहा उस टाइम पीरियड में हम लोग रामायण के दो एक एपिसोड जो है हमारे मिस हो गए थे, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 88 में जो थी वो महाभारत स्टार्ट हो गई थी, है ना, तो अब ये सोच लीजिए कि ये सब चीजें हमारे टाइम की थी, तो 93 94 में जो है वो स्टार्ट हुए थे शक्तिमान, है ना, तो सैटरडे को जो है हाफ डे होता था और हम लोगों को ये होता था कि भाग के जाएं कहीं शक्तिमान जो है खत्म ना हो जाए, और मेरे छोटे भाई बहन जो थे वो तो बहुत ही छोटे थे, कोई 3rd में था कोई 5th में था ना, तो वो लोग भी भाग के घर आते थे कि शक्तिमान जो है खत्म ना हो जाए, इसलिए तो मतलब ये समय जो था वो मैं कहती हूँ 90s का हम लोगों का था, तो ये पुत्तन ने उसमें कहाँ से आ गई, 80 90 मिक्स जो था वो हम लोगों का था, लेकिन इसमें पुत्तन कहाँ से आ गए, पुत्तन को अपने दिन याद आ गए, है ना, पुत्तन को वो सब बातें याद है ना, तो फिर यहीं पे बात आ जाती है कि जहाँ तो तुम लोग 84 85 के बॉर्न हो, 86 के बॉर्न हो, है ना, तो इसलिए तुम लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे हैं, इसलिए तुम लोग जहाँ पर अभी झूठ बोल रहे हो, फिर वही बात आती है ना मम्मी जी की कि फिटे मुंह मैनू तो आप ही बुलाता है कि मेरा ब्याह कदों होया सीगा, है ना, ये कमबख्त मारे ऐसी ऐसी कारनामे करते हैं इसको लेकर झूठ बोलते हैं, अब ये तो है नहीं कि मम्मी जी की शादी जो है वो 10 साल की उम्र में हो गई थी, है ना,
बाल विवाह हो गया होगा मम्मी जी का, है ना, जब भी बच्चे ये पहले आ गए, पता नहीं भाई इनका क्या चक्कर है। लेकिन मम्मी जी की रिटायरमेंट जो है, किसी मैंने 58 बोला था, फिर किसी ने बोला नहीं 60 में होती है, तो चलिए मम्मी जी की यही होगी, है ना, जो भी उनका प्रमाण पत्र पे जो भी एज लिखी होगी। वहां पर मम्मी जी भी एक झूठ बोलती हुई नजर आई थी, अब कौन से एपिसोड में मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी मंथ की बात है, मम्मी जी को भी याद आ गया था अपने कॉलेज के दिन। भी कॉलेज तो हम लोगों के यहाँ पर पंजाब में तो 10th के बाद स्टार्ट होते थे, है ना, कि प्लस वन वगैरह आप जो है कॉलेज में कर लो, नहीं तो कुछ स्कूल जो होते थे वो प्लस टू तक भी होते थे। पर मम्मी जी कॉलेज कब गई? मम्मी जी ने तो बताया था कि 10th भी उन्होंने बाद में करी थी, जब उनके हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो गए थे, जब उन्होंने 10th की थी। तो ये कॉलेज कब गई थी मम्मी जी? भैया ये बड़े शॉकिंग वाली न्यूज़ ये लोग देते हैं, है ना, तो ये इनके ऊपर ये बातें हैं, है ना। और वहां पर अब बात करते हैं थोड़ी सी किसके ऊपर, गुलाब सिंह और चंपा पर। चंपा और गुलाब सिंह पर बात करने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि अब ये लोग कुछ भी दिखा लें, कुछ भी कर लें, है ना। देखिए चंपा का तो ये लोग यूज करते ही हैं, अब बहुत सारे लोगों ने रील्स पर भी लिखा है और कमेंट्स में भी इनके लिखा है कि देखिए नंदे जो हैं अपने कंटेंट में आपको नहीं लेती, है ना, लेकिन आप उनके कंटेंट में क्यों, मतलब वो आपको यूज कर रही हैं। समझ सकते हो आप कि जब वो अपने बच्चे को नहीं दिखा रही है, उसका खुद का कंटेंट है, ठीक है, नहीं दिखा रही उसका भी रीजन है ना, सबको पता है वो बात। लेकिन झूठी जो है वो अपने पति को नहीं दिखाती, अब बताइए कौन सा रीजन है झूठी, जहां पर कि मोटू ने भी कोई केस कर रखा है कि भाई नहीं मैं तो कैमरा शाई हूं, और जब भंगड़ा डालता है पी के तो उस समय जो है उसका कैमरा शाई वो हट जाता है ना, तो इसलिए तो वही बात है ना, ये अपने कंटेंट में जब तुम्हें ही नहीं लेती तो तुम जो है कंटेंट बनकर नहीं, तुम्हें हाँ तुम इनका कंटेंट क्यों बनती हो, है ना। बात वही आती है कि इनके खुद के एपिसोड में चंपा के ये लोग बहुत कम आती हैं, बहुत ही कम बोलती हैं, लेकिन चंपा को ये अपने कंटेंट में जरूर से रखती हैं। क्योंकि पता है ना अभी ये चंपा जो है चंपा 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 ही हो रखी है, अभी इसी की वजह से जो है व्यूज भी मिलेंगे और नेक्स्ट जो है आगे गेम भी चलेगा क्योंकि चंपा की वजह से, है ना। अब यहाँ पर जो एक मेन मुद्दे पर बात हो रही है वो है चंपा के मम्मा की, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात होती है कि चंपा के मम्मा जी का जब बर्थडे था तो चंपा तुम भी क्यों नहीं गई घर, है ना, तुम्हें भी जाना चाहिए था, दूसरे दिन ही चली जाती, पहले दिन नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, केक लेके पहुंचती बिल्कुल वैसे ही जैसे पुत्र ने किया था, है ना। और यहाँ पर ये भी कि तुम वीकेंड का वार क्यों नहीं करती हो जैसे पुत्र करती थी, तुम तो अपनी माँ की एक ही एक बेटी हो ना, तुम्हें भी तो जाना चाहिए, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, तुम्हें भी पहुंच जाना चाहिए वहां पर, है ना। लेकिन अगर वाकई में तुम समझदार हो तो तुम रोज रोज जो है ये फेरे नहीं करोगी अपने मायके के, तुम अपने घर को देखोगी, घर को संभालोगी, क्योंकि इन्होंने ये फेरे करवाने के चक्कर में ना तो पुत्र जो है वो अपने घर में ही नहीं टिक सकी या फिर 50% यहाँ पर लेंगे कि गलतियां उनकी भी थी, गलतियां पुत्र की भी थी, ठीक है, लेकिन पुत्र की फैमिली की गलती ज्यादा थी यहाँ पर ये कहा जाएगा, ठीक है। तो ये वो बात है। अब यहाँ पर एक चीज और भी निखर के नहीं सामने आई है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि मदर इंडिया को अब जो है बेटे की शादी में इतनी छुट्टियां तो मिल ही गई हैं, लेकिन अपनी बेटी की डिलीवरी पर भी तो मिल सकती थी, जब मम्मी जी को नहीं छुट्टियां मिली थी, जब मम्मी जी ने अपनी बहन को बुलाया था, अपने तो अपने होते हैं, तो ये अपनों में अपने कितने कर रह गए ये आपके सामने ही है, बाकी अपने जो है वो छूटते चले गए, है ना। वहां पर दीदी का रंग भी फेट होता चला गया, जाने की झूठी का रंग जो है वो इतना फेट हुआ कि चंपा जो है वो शॉक्ड थी, वो हैरान थी, वो कहती दीदी मैंने आपको देखा तो आप बिहार में तो इतनी अच्छी लगती थी, जब वहां पर थी तो इतनी ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन थी आपकी दीदी, यहाँ पर तो आप बिल्कुल एकदम से फेट ही हो गई हो, जैसे आपका रंग ही उड़ गया हो धूप में बैठ बैठ के। वो कहती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि दीदी के शक्ल का रंग और उसके हाथों का रंग कितना फर्क है, ठीक है, फेस पे वो कुछ भी लगा दे लेकिन एक्चुअली कलर जो होता है ना वो हाथ और फेस का उसके एक ही है, और वो चंपा ने क्लियर कर ही दिया,
अब क्रीम का नाम बता देती चंपा तो फिर तो मजा ही आ जाता। मैं कहती कि हम लोग कहते कि ये तो पीआर कर रही है ना, फिर तो हम लोग ये कह देते कि चंपा ने पीआर कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो फ्री में तुम्हें क्रीम मिल जाती और यहाँ पर हमारी ऑडियंस ने तो झटपट खरीद ही लेनी थी। तो चंपा बता ही देना अगर मेरा जो तुम ये वाला एपिसोड देखो, और चंपा से ऊपर ऊपर के काम तो आप करवा रहे हो, अब जल्दी से उसकी रसोई का भी करवा दो, ठीक है? वो वाला रिचुअल्स भी उसका हो जाए, कम से कम वो अपने लिए पसंद की मैगी तो बना ले, कि जहाँ फिर उसको खाना आता है बनाना, तो वो चीज़ें भी देखने को अच्छी लगेंगी। अभी उसको बेड पर बिठा कर जो है वो सब चीज़ें मत करें, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में वही आदत बन जाएगी, बाद में कहोगे अरे हमारी तो बहू काम नहीं करती। और वहां पर यही माताजी बोल रही थी, जाने की मदर इंडिया बोल रही थी कि देखो अभी तो रसोड़े में नहीं ना गई, अभी तो ये वाला रिचुअल नहीं ना हुआ, इसलिए अभी इसका कुछ पता नहीं लगा, 6 महीने में पता लगेगा, है ना? ठोक बजा ले मतलब अच्छे से पहले चंपा को। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।